इस वीडियो में फिर से आप लोग को कुछ न्यूज़ बताने वाला हूँ। और न्यूज़ ये है कि हमारे वहाँ पे जो वेस्ट गर्ल्स बकमारा टू तुरा का एक रास्ता था, ब्रिज था, तो वो सब टूट गए हैं। तो अभी रास्ता भी बंद हो चुका है। तो वहाँ का लोकल एरिया का जितना भी लोग हैं, मेरे साइड के ही पड़ते हैं एक्चुअली, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वही वीडियो क्लिप इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मुझे फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मैंने ये वीडियो उठाया है, जो आप लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देगा यही सोच के। तो चलिए वो वीडियो दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा अभी तो किस तरह से वो रख के लेके गया है। तो अभी वहाँ का जो लोकल एरिया लोगों का है, सभी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है। जो असम में है, तो कालापानी साइड पे है, वहाँ पे भी बहुत फ्लड हो चुका है। सारा लोगों का जो घर भी वो सब भी डूब गया है। वो क्लिप भी इसी वीडियो में हम लोग को दिखाई दे रहा हूँ, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से फ्लड हो चुका है। सारा घर के आसपास जितना भी पेड़ वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, सब कुछ खराब कर दिया है। पूरे गांव में धूल मचा दिया है, क्योंकि मेघालय का पानी जितना भी है तो इसकी इसी तरफ से ही जाता है। ठीक है, मेरा लोकल एरिया है, मनकचोर है, ठीक है। और बहुत दुख की बात है, हमारे गांव में भी इस तरह से हो रहा है कि अभी कुछ दिन से नहीं है तो कम हो गया है थोड़ा। और मेरा गांव से ये थोड़ा दूर है, तो सभी लोगों को बहुत परेशान झेलना पड़ता है, पड़ रहा है। अभी घर का सामान वगैरह भी सब कुछ खराब हो गया है। ये सब रास्ता वगैरह है, किसी किसी का घर डूब गया है। और गांव के आसपास तो बोल ही नहीं सकते कि किस किस हालत में अभी अभी, तो वो भी देख सकते हैं। ये देखो, किसी किसी का घर टूट गया है, किसी किसी का घर के आसपास मिट्टी वगैरह कहाँ से कहाँ उठा के लेके आया है। अब ये देखो मेन रोड है, इसको भी उठा लेके जा रहा था, बस बारिश कम होने के कारण फिर से रुक गया है। तो गांव का एरिया का जितना भी लोग है, उन सभी का बहुत परेशान हो रहा है अभी। কিবা সুযোগ সুবিধা দিয়ে যে মাছের ক্ষেত্র আর ধানের ক্ষেত্র আর খোয়া পানি ব্যবস্থা করে দিব লাগে যাতে সমস্যাটা বড় বেয়া ধরনের সমস্যা হয়ে আছে। কারণ আমার যেহেতু কালো নদী আছে, কালো নদীর দুপারে থাকা রিং বান দুই তিনটা ঠাইত ভাঙি গেছে, আর তার ফলত প্রবল গতিত রাতের ভিতরতে তার মানে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা মানর ভিতরত আমার ইফালে উপর্যুপুরি হয়ে গেছে বানপানীতে। আর যান মানুষের হেরি আসলে তার মানে পুখুরী আসলে এটা পুখুরীও বাদ আমার রাইজর যে ধাননি পথারবর যে গেছে, পুখুরীবর যে গেছে, এতিয়া সরকারে বা কি বা কেনে ধরনের ব্যবস্থা লয় এটা একটু সরকারে বুঝি পাব। আমি পালে আমি সুখী হম। तो दोस्तों, इन लोगों को थोड़ा बिलीव कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए पहले के जैसे।